आज राजकुमारी के फेस में साक्षात लक्ष्मी आ रही है घर में। गीतांजलि बेटा, पता नहीं होगा ना तो हम समझाते हैं तुमको। अब इसमें ना राइस भरा है, इसको घर में गिराना है। काहे के जब अनाज फैलता है तो पैसा भरता है, बढ़ता है, हाँ ऐसा लोग कहते हैं। वेल्थ जो है बेल माइनर से आएगा घर में। क्या कर रही हो, घबरा गई हो क्या? गीतांजलि तुम घुस हो ना? असल में कहा है ना कि सवेरे से कुछ खाई नहीं है, बरत रखी है, इसीलिए तो ऐसा हो गया। मोम कमीने कमरे में लेके जा रहे, प्लीज किसी के हाथ में पानी भिजवाइए। ये कैसा अनोखा ग्रह प्रवेश हुआ, जो सोचा था उसका तो एकदम उल्टा हो गया। अरे अब तक सारा रीत रिवाज फॉलो कर रही थी तो फिर ये काम उल्टा कैसे कर गई? गीतांजलि गीतांजलि तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस हम थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे थे, हम थोड़ी देर आराम करना चाहते। अरे ये क्या भाभी, मुझे नहीं लगता प्रिंस तो आज आपको आराम करने देगा। प्लीज काम है दीदी, शादी सिर्फ इसी बात के लिए नहीं होती है। जिन हालात में हमने शादी की है, परिवार वालों की अनुमति के बिना, उनकी मौजूदगी के बिना, सख्त हमारे ऊपर क्या बीत रही है सिर्फ हम ही जानते हैं। और आप लोगों को सुहाग रात की पड़ी है, क्या बात है राहुल बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हमें पक्का यकीन है कि प्रिंस की वाइफ गीतांजलि कोई और नहीं, हमारी अपनी गीतू है। नहीं मामी जी, हमारी नजर धोखा नहीं खा सकती, वो हमारी गीतू ही है। अरे वो चाहे जितने मर्जी चेहरे बदल ले, लेकिन हम भी उसके भाई हैं, हमारी नजरों से उसका नया रूप नहीं छुप सकता। हमें मम्मी जी और प्रिंस को बता देना चाहिए, जिससे वो लोग भी गीता से होशियार हो जाए। शादी तो हो गई और हम जानते हैं कि गीतू ने शादी क्यों की है, हम जा रहे हैं आपको बताने। बेटा देखो, हम जानते हैं कि तुम यही सोचते हो कि वो गीता है, हम भी जब पहली बार उसको देखे थे ना तो हमें भी ऐसा ही लगा था। लेकिन कहा है बेटा, ऐसे कैसे यकीन कर सकते हैं? हमारा तो ये कहना है कि जब तक तुमको पक्का नहीं मालूम पड़ जाता कि वो गीता है, तो शक के आधार पर कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो? और तुम भरे समाज में उसको अपनी बहन मान के कन्यादान किए हो, तनिक को सोचा है कि कौनो तरह का दरार का दोष तुम्हारे ऊपर आ सकता है नया जोड़ा के बीच में? मामी जी यही बात तो हमें परेशान कर रही है। कौन सी बात आपको परेशान कर रही है जी?